हे फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड, ये वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कहा कि दीदी, आप बिना विथाउट ब्लेंडर कैसे घी निकालेंगे, आप बताइए। तो मैं ये वीडियो लाई हूँ कि आपके पास यदि ब्लेंडर नहीं है तो आप घी कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड, मैं बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी आपको, जो बिना ब्लेंडर के भी आप घी निकाल सकते हैं। और सच मानिए, बहुत झटपट हो जाती है। और बात रही मेरी, तो मैं ब्लेंडर से घी निकालती हूँ क्योंकि मेरी जो मलाई की क्वांटिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मुझे उसमें झंझट नहीं लगता है। पर सच मानिए, मिक्सर से भी आप बहुत ही ईजी और तरीके से मतलब घी निकाल सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको अपने किचन में लिए चलती हूँ और मैं बताऊंगी आपको कि मिक्सर ग्राइंडर से किस तरह से आप घी निकालेंगे। और ये रहा मेरा मिक्सर ग्राइंडर, तो चलिए मैं आपको निकाल कर बताऊंगी कि आप किस तरह से घी निकालेंगे और बहुत झटपट से बन जाएगी। तो चलिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको सबसे इजी मेथड बताऊंगी मलाई से बटर निकालने का। और ये मेरी देखिए 8 दिन की मलाई है और इससे मैं आपको मतलब बटर निकालना बताऊंगी और बटर से घी बनाना बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, बटर निकालने के लिए हम लोग मिक्सर का बड़ा वाला जार यूज़ करेंगे और इसमें इस मलाई को ट्रांसफ़र करेंगे। पर याद रहे, इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही डालें। हमें जार को पूरा फिल नहीं करना है, इसे थोड़ी क्वांटिटी में ही डालेंगे। देखिए, मैंने थोड़ी क्वांटिटी में डाला है। फ्रेंड, वैसे तो मलाई से बटर या घी बनाने के बहुत से मेथड होते हैं और सबके अपने अपने तरीके होते हैं, पर मैं इसी मेथड से बनाती हूँ। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना डाल सकते हैं। जब हम पानी डालेंगे तो जितना बटर है सब ऊपर आ जाएगा। और देखिए, हमारा जो बटर है बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम लोग चिल्ड वाटर डालेंगे, जिससे जितना बटर है बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। और देखिए, पूरा बटर ऊपर आ जाएगा। इसी तरह हम लोग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कर में सारे बटर निकाल लेंगे। तो चलिए, मैं झटपट दिखाती हूँ आपको। और फ्रेंड, मैं फटाफट मतलब मलाई से बटर निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब इसमें हम थोड़ा वाटर डालेंगे और फिर इसको चला देंगे, जिससे हमारी जितनी बटर है सब ऊपर आ जाएगी। ऐसे करके आप सारी मलाई निकाल लीजिए। ये बहुत झटपट हो जाता है, लेकिन मेरी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है मलाई की, इसीलिए मैं ब्लेंडर से निकालती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है ना, ब्लेंडर में एक बड़े भिगोने लेती हूँ, उसमें सारा डाल के एक ही बार चलाती हूँ तो हो जाता है। और मिक्सर में ये होता है कि आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में चलाना पड़ता, नहीं तो बाहर आ जाएगा। अब इसे छन्नी में करके हम लोग निकाल लेंगे। और ऐसे ही हम अपनी सारी मलाई का बटर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने सारा बटर निकाल लिया है। अब इसे हम गैस पर कढ़ाई में बैठाएंगे और इसे धीमी आंच पर मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मेरी घी देखिए बनना शुरू हो गया है। अब इसको लो फ्लेम पे ही हम पकाएंगे।
और देखिए हमारा घी एकदम से रेडी हो रखा है। अब इसे हम किसी भी स्टील के कंटेनर में ठंडा हो जाए तो आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो फ्रेंड आप मिक्सर का यूज़ करके मलाई से बटर और बटर से घी फटाफट बना सकते हैं और कोई झंझट भी नहीं होगी। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।